हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं उठा मस्त, तो सूरज तो चला गया स्कूल, तो वो तो चला गया। तो गाइस, तुम्हें पता है आज है मेरा कंप्यूटर का पेपर, जो पंजाबी मीडियम में होगा। तुम्हें पता ही है यहाँ पंजाब में पंजाबी मीडियम है, पर मैं इंग्लिश भी कर सकते वैसे तो, पर मैं पंजाबी मीडियम ही रखी हुई मेरी। तो आज मेरा कंप्यूटर का पेपर है, तो आ जाएंगे वहाँ पर बढ़िया। तो सारा कुछ सुने, जो भी था याद वगैरह कर लिया मैंने, बढ़िया रिविजन हो गई मेरी। तो जाएंगे वहां पर, अब देखेंगे कैसा हाल चाल। तो गाइज, मेरे दो पेपर रह गए अब, बढ़िया। उसके बाद पेपर हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर 30 मार्च, अब मार्च एडमिशन हो सकते हैं। तो मैं अब दूसरे स्कूल में जाऊंगा, वहां का देखेंगे कैसे होंगे रहे। तो गाइज, बहुत शर्म आएगी मुझे, तो बहुत ऐसे हंकार के जाएंगे वहां पर कैसे, तो देखेंगे अब वहां पर जाके। तो गाइज, सबसे पेपर लेट है ना पीछे, वो होगा एग्रीकल्चर का, तो वो काफी लेट होगा। मान लो तुम आज कंप्यूटर का है तो कल छुट्टी है, फिर उसके बाद आगेगा, फिर उसके बाद है ना गाइस एग्रीकल्चर का, वो 7 दिन बाद है, तो वो बहुत लेट पेपर होगा। तो गाइस, सारे पेपर हो गए, बस एग्रीकल्चर और फिजिकल का रहता है। कल नहीं, परसों फिजिकल का पेपर है, फिर एग्रीकल्चर 27 तारीख को, वो बहुत लेट हुआ पेपर। उसके बाद हम 30 तारीख को एडमिशन करा सकते हैं न्यू स्कूल में, तो वहां पर जाएंगे अब। तो गाइज, अभी मैं 8th में हूँ, अब 9th में हो जाऊंगा, तो दूसरे स्कूल में जाऊंगा। तो मैंने अभी तक दो स्कूल चेंज किए, एक पहले पढ़ता था वहाँ पर 5th तक पढ़ा, उसके बाद मैंने ये दूसरे स्कूल में आ गया मिडल में। पहले पढ़ता था मैं नेशनल प्ले पब्लिक स्कूल में, फिर मैं मिडल में आ गया, अब सीनियर सेकेंडरी में जाऊँगा। तो वो भी 3 स्कूल चेंज हो जाएगी उसके बाद, वो वहाँ पर +2 तक है। पहले पढ़ता था ना मैं, तो वो भी 8th तक थी, पर मैंने वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ मिडल में आ गया। मिडल से हम जाएंगे अब सीनियर सेकेंडरी, तो वहाँ पर जाएंगे कैसा जाएगा, तो न्यू स्कूल। तो गाइस, बहुत शर्म आई, पहले पहले हर जो भी जाता है गाइस सबको आती है शर्म। तो मैं पहले नेशनल प्ले में गया था, तो जब तो छोटा ही था, फिर मिडल में गया, वहाँ पर भी बहुत शर्म आई थी गाइस, मन ही नहीं लग रहा था करने का, क्योंकि दोस्त बिछड़ गए सारे। तो धीरे 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 करते करते सारे दोस्त बन गए। उसके बाद 8th भी कंप्लीट हो गई, अब 9th में जाएंगे। तो नेशनल प्लेवे में मैं छोटा ही था, वहां पर तो रोता रहता था, तो पापा छोड़ के जाते, मैं रोता रहता स्कूल में, फिर धीरे धीरे। तो गाइस, ऐसे ही होता है हमारी जिंदगी में, धीरे 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 सब चीज में पहचाननी पड़ती है, क्या ये कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं, तो सब हम दुनिया को जानना चाहिए कैसे ये वो कैसे नहीं। तो गाइस, तुम्हें पता है सिद्धू मूसेवाले का भाई हुआ छोटा, तो बहुत खुशी है मुझे तो गाइस, क्योंकि उसके भाई हो, तो सब कह रहे हैं वो सिद्धू मूसेवाले है वैसे वैसे, तो काफी लोग, मुझे भी लगा। तो गाइस, उसके जैसे डैडी वगैरह मैंने काफ़ी न्यूज़ सुनी, तो कह रहे इसको भी सॉन्ग गाने वगैरह में लाएंगे हम, गाने वगैरह सिखाएंगे इसको, काफ़ी कुछ हम सिखाएंगे, कह रहे पंजाब से काफ़ी थोड़ा अलग रखेंगे, तो काफ़ी कुछ इसमें बारे में कह रहा है, तुमने भी देखा होगा। तो गाइस, बहुत अच्छा। तो गाइस, जो हवेली थी सिद्धू मूसेवाले की, तो उसमें उस दिन बहुत सारे गाने वगैरह चल रहे थे, उसके ही थे, सिद्धू मूसेवाले के गाने चली जा रहे थे, काफी लोग आए थे, इकट्ठे हो गए थे गाइस, वहां पर इतनी भीड़ लग गई काफी, तुम्हें क्या बताऊं, तो काफी भीड़ लगी हुई थी वहां पर। तो गाइस, वहां पर ऐसा एक दिन ऐसा भी था जहां पर, वहां पर इतनी भीड़ लगी सिद्धू मूसेवाले जब डेथ हुई थी, तुम्हें पता ही है जब, और आज देख लो खुशी भी आ गई, तो सारे कहते हैं परमात्मा दे रंग निराले। तो गाइस, बहुत खुशी है मुझे कि एक भाई और, तो अब ये भी देखना गाइस, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि बड़ा होगा तो गाने वगैरह यही लिखा लेगा ये छोटा, तो अब देखते हैं गाइस आगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है जब 18 साल का होगा ना, तो इसको पूरा ट्रेंड कर देंगे गाने वगैरह में, क्या है ना, जैसे सिद्धू मूसेवाले हुआ, तो अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ एग्जाम देके, तो अभी आया जस्ट, तो खाना वगैरह खाया मस्त, तो पेपर तो बहुत अच्छा गया गाइस मेरा आज का। तो वहाँ से आता था, तो मैंने मस्त ड्राइंग ले लेता है, तो ड्राइंग थी नहीं मेरे पास, अब ख़त्म हो गई वो, तो सारी भर गई जितनी भी थी, तो न्यू लिखा है बढ़िया, तुम्हें दिखाते हैं ये देखो गाइस, तो मुझे बढ़िया लगी, तो ये ड्राइंग ले, प्राइस इसका है 60 रुपये, देख सकते हो। तो गाइस, ये बढ़िया है, तो इस पर बनाएंगे अब से, जो भी ड्राइंग वगैरह कुछ भी बनाना होगा इस पर बनाएंगे, तो बढ़िया। सारी जो भी थी मेरे पास ड्राइंग वगैरह, वो सारी भर गई, कंप्लीट हो गई, तो मतलब अब न्यू ड्राइंग लेते बढ़िया, तो उस पर बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। तो अब तो गाइस, पहले करते हैं टेबल की सफाई वगैरह, क्योंकि सारा टेबल सफाई नहीं हुआ, देखो सारा सामान खिलरा हुआ है, देखो वो ड्राइंग वहाँ पर पड़ी है, डब्बे वगैरह सारी, पेन पेंसिल घड़ी जो भी है सारी खिल रही है, और नीचे भी सारी, इसके टेबल के नीचे भी
तो मेरी बुक्के वगैरह है वो भी खिल रही, उनको भी सही करते हैं, फिर हम बढ़िया से कोई ड्राइंग बनाएंगे। तो गाइस तुम देख सकते हो नीचे भी खिलारा पाया हुआ, कचरा वगैरह देखो सारी बुक खिलारी पई है। तो अभी यहाँ पर भी खिलारा हुआ, तो यहाँ पर भी है, तो इसको सही करते हैं फिर मस्त ड्राइंग बनाएंगे। तो गाइस तुम देख सकते हो फाइनली हमने सारा कुछ जमा दिया, सही कर दिया, अब सही लग रहा है। पहले डेस्क सारा भरा हुआ था, तो इधर उधर सामान सारे गए हुए थे, तो नीचे भी साफ हो गया, बढ़िया हो गया नीचे भी अब। तो गाइस पहले अब किताबें इसको ऊपर रख दी, बढ़िया है, और यहाँ पर चेयर लग जाएगी। तो गाइस पहले यहाँ पर बहुत कचरा था इसलिए, तो अभी ये पैरेट रह गया है, इसको भी कहीं कहीं सेटल करते हैं, फिर इसको रखते हैं। तो गाइस अब सही लग रहा, सारा हमने सामान रख दिया। तो गाइस देख लो यहाँ इतना कचरा निकला, यहाँ से पेंसिल के छिलके वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स, माचिस की डब्बी, सारा कुछ यहाँ से मिला भी। तो गाइस अब हैंड वॉश करते हैं। तो भाई सूरज पूरे गुस्से में आया हुआ है, कह रहा है मुझे अभी कॉपी वगैरह दिलाओ, जो भी है पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स। तो अभी वो फिफ्थ में हो ही नहीं, तो पहले ही कह रहा है मुझे कॉपी वगैरह सारी बुक वगैरह जो पहले ही दिला के रख दो। तो पापा कह रहा है अभी थोड़ा रुक जा। तो भाई 30 मार्च से या उससे बाद, हाँ 30 मार्च के बाद एडमिशन होगा न्यू, तो पापा कह रहे हैं उसके बाद तुझे कॉपी वगैरह सारे दिला दें। कह रहा नहीं नहीं मुझे तो अभी जस्ट ला के दो। तो बाहर गुस्से में बैठा हुआ है, तुम्हें दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो बाहर यहाँ पर ईंट लेके मारने के लिए बैठ। तो तू एग्जाम खत्म हो गए तेरे तो पता मुझे, तो बाद में ले लियो कॉपी, अभी क्यों लेना चाहता है पता तो दे। गाइस तुमने देखा वो कितने गुस्से में आया हुआ है, ईंट लेके मेरे पीछे भागे जा रहा है। मैंने उसको इतना ही कहा, मैंने रुक जा तू बाद में ले लियो कॉपी 30 मार्च के बाद, सीधे मेरे पीछे ईंट लेके भागा। मैं अंदर आ गया, मैंने सोचा ऐसे गुस्से में अब रहने देते हैं, तो शाम को देखना इसको मनाए, शाम को ये मान जाएगा, कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे को। पापा कह रहे हैं अभी क्या काम का, अभी लेने का कुछ फायदा तो है नहीं, ऐसे ही घर पे पड़ी रहेगी, और ये मुझे पता पढ़ता तो है नहीं कुछ, वैसे ही रख देगा और बस बैग में डाल के। पापा कह रहे हैं एग्जाम जब तेरे स्कूल लगेंगे, न्यू एडमिशन होगा, तब तुझे बैग वगैरह भी दिला देंगे, कॉपी वगैरह भी न्यू। तो कह रहा नहीं अभी देखो मुझे जस्ट, तो अभी गुस्से में आया हो पूरा। तो मैं तो अंदर आ गया, मैंने सोचा वैसे ही क्यों उसको छेड़े, तो वो गुस्से में आया हुआ है। तो गाइस अब मैं बनाऊंगा कोई मस्त सी ड्राइंग, तो देखते हैं बनाते हैं। तो अब नहीं है गाइस ये गुस्से में, दोपहर को इसने बहुत गुस्सा कर लिया था, तुम्हें पता है देखा था बाहर, तो अब ये देख रहा है टीवी, तो अब गुस्से में नहीं है, तो कह रहा है नहीं हूँ। दोपहर को तुमने देखा मेरे पीछे ईंट लेके भागा ये सिद्ध ही। गाइस तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।